प्रयागराज कांड पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एमके न्यूज से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पहले की सरकारों में माफियाओं को संरक्षण प्राप्त था और हमारी सरकार सजा दिलाने का काम कर रही है। यूपी विधानसभा में लकी अदालत पर संजय निषाद ने कहा है कि इसका हम समर्थन करते हैं और दोषियों पर कार्रवाई हो। जनता से चुने हुए हैं विधायकों को विशेष अधिकार मिला है, अगर उसका भी अधिकार हनन करेंगे तो जनता के साथ क्या करते होंगे। पहले की सरकारें ऐसे लोगों को मजा देती थीं, हमारी सरकार सजा देने का काम कर रही है। प्रयागराज कांड को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और बुलडोजर चल रही है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। सर, जिस तरीके से प्रयागराज कांड को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, शफीकुर रहमान जो सपा से सांसद, उनका बयान आया कि ये इससे सरकार का गुरूर दिखता है, किस तरीके से इस बयान को देखिए। इनके समय में क्या चलता था, संरक्षण होता था, हमारे समय में सजा मिल रही है। तो संरक्षण और सजा में तो संरक्षण देने वाले को तो दुख तो होगा ना कि हमने संरक्षण दिया, अंत में सजा हो ही गया और उन्होंने जो वादा किया था कि भाई हम जब तक रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तीनों लोगों के संरक्षण में ऐसा हुआ ना, कानून की धज्जी उड़ी, संविधान की धज्जी उड़ी, व्यवस्था की धज्जी उड़ी, जिसकी वजह से अपराधी और इस तरीके से गैर कानूनी ढंग से लोगों ने संपत्ति अर्जित की है, गैर कानूनी ढंग से काम किया है, कितने के मांग की सिंदूर धोया है, कितना दहशत फैलाया है, कितनी नौकरियों पर कब्जा हुआ, कितनी जमीनों पर कब्जा हुआ, कितने लोगों के खिलाफ अन्याय हुआ है। तो अगर इसमें हम लोगों को न्याय और सुरक्षा देने में कामयाबी मिल रही है, सजा दिलाने में कामयाबी मिल रही है, कभी तो खड़े हो जाएं। सदन में उन्होंने कसम खाया है संविधान का कि हम देश के साथ खड़ा रहेंगे, जनता के साथ खड़ा रहेंगे, तो सरकार के साथ खड़ा रहेंगे, तो सरकार देश और जनता चाहती है उसके साथ खड़ा हो जाए। क्या उन्हें चुनाव, वो तो जवाब मिलेगा 2024 में जाएंगे वोट मांगने, तो जनता अपने आप इंतजार कर रही है कि कौन संरक्षक था अपराधियों का और कौन सजा दिला रहा। और निश्चित रूप से इसी मुद्दे पर अगला चुनाव होगा और देखिएगा जनता हमें फिर से चुनेगी। विधानसभा में आज कोर्ट लगने जा रही है, जो 6 पुलिसकर्मी दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, किस तरीके से देखते हैं। हमारी सरकार है, कितनों रसूखदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। पिछली भी सरकार थी, क्यों नहीं सजा सुना दिया, क्यों नहीं उनके खिलाफ जांच किया, क्यों नहीं उन पर, भाई विशेषाधिकार है, द रियल गार्ड इज ओटर इन द डेमोक्रेसी, द साइनिंग अथॉरिटी ऑफ द एवरी पार्लियामेंट विधानसभा मेंबर। अगर जनता को विशेष अधिकार दिया संविधान ने कि आप जिसे दस्तखत करोगे चुनोगे वही विशेष व्यक्ति होगा, विशेषाधिकार विधायक को मिला उसका भी हनन अगर अधिकारी करें, तो इसके मतलब जब विधायक के ऊपर हनन है तो जनता के ऊपर क्या करता होगा। तो ऐसे लोगों को सजा दिलाना काम है, देखो क्या अंतर है, पिछली सरकारें कैसे इनको मजा दे रही हैं, हमारी सरकार कैसे सजा दे रही है। थे मेरे साथ संजय निषाद जी, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से जो आज कोर्ट लगने जा रहे हैं उसका अखिलेश यादव को समर्थन करना चाहिए क्योंकि 2004 में उनकी सरकार थी। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं अविनाश, एनके न्यूज, लखनऊ।